तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दे व्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को जो कतर का रोड है मैं उसके बारे में बताने वाला हूं और रोड पे ले चलने वाला हूं आप लोगों को, किस तरह से यहां ड्राइविंग किया जाता है, किस तरह से यहां पे रोड चेंज किया जाता है, किस तरह से ट्रैक चेंज किया जाता है और कौन सा ट्रैक पे जाना चाहिए, कौन सा पे नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को पूरे डिटेल में मिलने वाले हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से दिखा सकूँ कि किस तरह से यहाँ पर ड्राइविंग किया जाता है और आप यहाँ ड्राइविंग जब आप आके करें तो आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े और अच्छे तरह से सेफ्टी से आप ड्राइविंग कर सकें ताकि आपको कोई चीज़ का दिक्कतदारी ना हो और प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए और आपको हम बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ड्राइविंग किया जाता है, किस तरह से पार्किंग किया जाता है, सारा डिटेल में आपको मैं आज देने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में बिल्कुल बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये हमारा रोड पर क्रेन लेके जाया जाता है, ड्राइविंग किया जाता है। और ये देखिए आगे बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए एक ऑपरेटर उतर के आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखिए, एक ऑपरेटर उतर के आ रहा है, इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। तो अभी देखिए ये सामने है, अभी मैं जा रहा हूँ उसके पास और मैं बात करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोग यहीं पर रहिएगा, मैं आता हूँ देख के कि इसका क्या प्रॉब्लम है। ऐसा बात नहीं है, वो क्रेन से थोड़ा सा कुछ आवाज़ आ रहा था जिसके कारण से रोक के वो देख रहा था। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, अभी हम लोग क्रेन को वर्कशॉप में लेके जा रहे हैं सर्विसिंग के लिए। तो दो क्रेन हैं और दोनों 160 टन का है, तो अभी हम लोग इसको लेके जा रहे हैं रास्ते पे। तो देखिए ये जो साइड पे आपको एक यहाँ पे पार्किंग हमारा क्रेन है आप देख रहे होंगे, तो ये जो पार्किंग है ये इमरजेंसी पार्किंग है। आप कभी भी अगर कुछ गाड़ी ख़राब हो गया या तो कुछ, यानी कि ये टेम्प्रोरी पार्किंग है एक तरह से समझा जाए तो, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट के लिए आप रोक सकते हैं या तो ख़राब हो गया तो फिर आप साइड करके लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 4 ट्रैक है और 4 ट्रैक में आप देख लीजिए जो भी छोटा गाड़ी है वो आपका उसका 2 ट्रैक होता है जो कि साइड से वो निकल जाता है। आप हमेशा कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको बिल्कुल यहाँ का जो रोड है ना उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को नॉलेज देता हूँ, तो आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा। यहाँ का जो रोड है ना आप देख लीजिए, यहाँ पे अभी ये आके आगे यहाँ पे देखिए 3 ट्रैक हो गया है। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो कि गल्फ़ कंट्री का जो रोड होता है ना, कोई सा भी जगह आप जाइए, चाहे सऊदी हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, दुबई हो, कहीं भी आप जाइए तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर राइट साइड होके चलना पड़ेगा, यानी कि जाने के लिए आपको राइट साइड का रास्ता यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे इंडिया में जाने के लिए लेफ़्ट साइड का रास्ता यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको राइट साइड का रास्ता यूज करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए यहाँ पे जो रोड है और ये जो 3 ट्रैक है, तो 3 ट्रैक में आपको हमेशा राइट साइड ही आप लेके जाएं, 2 ट्रैक छोड़ दें, अगर 4 ट्रैक है तो उसमें से 2 ट्रैक छोड़ दें, लास्ट ट्रैक को ही पकड़ के जाएँ ताकि कोई भी गाड़ी आए तो वो स्पीड में तो आपको डिस्टर्ब ना करे और वो साइड लेके निकल जाए हाई स्पीड के लिए। तो आप अगर किनारे चलते हुए रहेंगे इस रोड पे, जिस पे देखिए ये ट्रैक जो जा रहा है बिल्कुल आगे गाड़ी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये बड़े गाड़ी का ट्रैक होता है, आप हमेशा फर्स्ट पे, सेकंड पे, फर्स्ट पे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि अगला को दिक्कत ना हो और वो गाड़ी अगर लेके आए तो वो बिल्कुल सीधा निकल जाए। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेयरिंग जो होता है सभी गाड़ियों का, जो 4 व्हीलर गाड़ी है उसका स्टेयरिंग जो होता है लेफ़्ट साइड में होता है, तो लेफ़्ट साइड में होता है हमारा स्टेयरिंग, और इंडिया में जो होता है वो राइट साइड पे होता है। तो ये चीज़ का यहाँ पे फ़र्क है,
और ये देखिए पीला पीला जो यहाँ पे क्रॉस 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 आपको दिखाई दिया ना, तो ये जो क्रॉस क्रॉस है ना, यहाँ पे क्या है कि जब सिग्नल होता है ना तो आप बीच में गाड़ी रोक नहीं सकते हैं वहाँ पे। तो जब सिग्नल बिल्कुल क्लियर हो जाए, अगर आगे आपका गाड़ी लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है आगे ज़्यादा, यानी कि सिग्नल पे गाड़ी खड़ा है, तो आप पीछे ही रुक जाइए, ना कि बीच में जाके रुकिए। इसमें बीच में नहीं रुका जाता है, इसीलिए वो क्रॉस क्रॉस टाइप का दिया हुआ रहता है, और बिल्कुल वहाँ पे आप रुकेंगे तो फाइन मार देगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी बिल्कुल रोड है वो आपको एक लाइन पे ही होके, और ये हाई स्पीड का रोड है जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं सबसे पहले, तो वहाँ का जो स्पीड है देखिए, अभी ये गाड़ी गया दूसरे नंबर दूसरे ट्रैक पे, वो निकाल के चला गया। अगर आप दूसरे ट्रैक पे होते तो फिर ये उल्टा साइड, तो राइट साइड इसका रॉन्ग साइड हो जाता, तो ये नहीं ले पाता, जिसके वजह से आप अगर किनारे चलेंगे ना, जब भी आपको स्लो चलना हो तो आप इसी तरह से किनारे चलते जाएंगे, तो आसानी से दूसरा गाड़ी आपसे निकल जाएगा पास लेके। तो आप देख लीजिए यहाँ पे अब सिग्नल आ चुका है, और यहाँ पे सिग्नल कहीं पे 30 सेकंड का, कहीं पे 20 सेकंड का, कहीं पे 10 सेकंड का भी होता है। तो ये पता नहीं है कि अभी यहाँ का कितने देर का सिग्नल है, मेरे ख्याल से एक गाड़ी दो गाड़ी भी निकल जाता है फिर सिग्नल बंद हो जाएगा। तो ये सिग्नल खुल चुकी है और हमारे आगे जो क्रेन है वो बिल्कुल निकल चुका है, और देखिए ये सिग्नल अब बंद हो जाएगा। तो अभी हमको जाना खतरे से खाली नहीं है, देखिए एलो पे आ गया, तो हम रुक जाते हैं, उस क्रेन को निकलने देते हैं, वो क्रेन निकल गया ऑलरेडी। अब हम 1 मिनट या 2 मिनट जो भी है इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइन बहुत ज़्यादा है, आप कभी भी गलती से सिग्नल इस तरह रेड पे क्रॉस ना करें, नहीं तो कम से कम 6,000 रियाल यहाँ का फाइन है, यानी इंडिया का समझ लीजिए तो 1 से 1.5 लाख रुपये के करीब में आपको फाइन भरना पड़ जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें सिग्नल पे, कभी भी कोई जल्दीबाजी ना करें। अगर येलो आपका पहले जाने से पहले आ जाता है तो आप बिल्कुल रुक जाएं, जाएं ही ना, आगे बढ़ाएं ही ना गाड़ी को, तो थोड़ा वेट कर लें, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए वो गाड़ी निकल चुका था, और अभी ये देखिए इस तरह से हम भी निकल चुके हैं, और मेरे ख्याल से शायद आगे गाड़ी पार्किंग में किया हुआ है, वो नहीं पार्किंग में नहीं है, वो आगे निकल गया है। तो चलिए हम भी चलते हैं साथ में, और नहीं, पार्किंग किया हुआ है, देखिए इस गाड़ी के आगे वो पार्किंग किया हुआ था, हमें दिखाई नहीं दिया, अभी देखिए पार्किंग किया हुआ है। तो क्या बात है, चलिए रुक जाते हैं थोड़ा, और रुक के फिर चलते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों रोका। तो चलिए हम भी साइड पे लगाते हैं और पता करते हैं कि क्या कारण है, क्यों गाड़ी रोका है। एक्चुअली हम वहाँ सिग्नल पे रुक गए थे ना, तो जिसके कारण से ये साइड लगा के रखा था ताकि हम पीछे ना हो जाए, तो सिग्नल पे रुकने के कारण ये गाड़ी यहाँ पे पार्किंग किया। अभी पीछे से गाड़ी वगैरह आ रहा होगा, इसीलिए देख के निकालना होगा ना, तो देखिए छोटा गाड़ी आ रहा था ना, ये सब इसीलिए रोका गया था। ये गाड़ी को अभी पास मिल गया, उसके बाद से अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो वो हमारे लिए ही रुका था कि हम सिग्नल पे रुक गए थे, जिसके कारण से ये आगे रोक दिया कि हम वो ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, जिसके कारण से ये रोक दिया था। अभी चलिए इसी तरह से बिल्कुल साइड पर देख के पीछे से गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस तरह से फिर आसानी से आपको निकालना होगा, नहीं तो यहाँ पे स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, कोई भी 100 से नीचे नहीं चलता है। तो इसके वजह से आपको क्या करना है कि देख लेना होगा कि गाड़ी कहीं नहीं आ रहा है, उसके बाद से आप आसानी से इंडिकेटर दे के लेफ्ट साइड का, उसके बाद आप अपना रास्ता पकड़ लीजिए और बिल्कुल चलते जाइए इसी तरह से। और हमेशा आप देख लीजिएगा, कहीं भी इस रोड पे आप जाइएगा तो हमेशा आपको एरो दिखाई देगा, कहीं भी सिग्नल पे हो, अगर कहीं मुड़ना हो वहाँ पे हो, तो आपको हमेशा एरो दिखाई देगा, तो आप उसी एरो के अनुसार से फॉलो करें। और हमेशा आपको पहले से ही 500 मीटर या 1 किलोमीटर पहले से ही, या 300 मीटर 200 मीटर पहले से, आपको क्या है कि बिल्कुल सिग्नल जो है वो आपको दर्शाएगा कि किधर जा रहा है, लिखा हुआ आपको साइन बोर्ड मिलेगा, तो साइन बोर्ड से आप यूज कर सकते हैं, साइन बोर्ड मिलेगा। देख लीजिए अभी हम ज़्यादा का स्पीड नहीं है, सिर्फ 51 का स्पीड पे जा रहे हैं, 51 का स्पीड है। और नॉर्मली क्या है, जब भी आप क्रेन लेके जाएं तो हाई स्पीड पे ना जाएं, स्पीड तो बहुत चला जाएगा, तो आप मैक्सिमम एक लिमिट बना लें 45 से लेके 50 तक, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा ट्रैफिक होने का डर है पीछे, तो आप 60 तक का, 60 का स्पीड में जा सकते हैं। क्रेन ये सब भागने का तो 100 का भी भाग जाता है, लेकिन गलती से भी वैसा कोई काम ना करें आप, आसानी से जितना हो सके, आप जितना धीरे हो सके उतने धीरे आप जाएं, आपके लिए सेफ्टी रहेगा और औरों के लिए सेफ्टी रहेगा। तो देख लीजिए अभी यहाँ पे क्या है कि
आगे निकल गया है, चलिए चलते हैं। आप लोगों को रोड पे खास करके कैमरा लिमिट को आपको ध्यान देकर चलना है। आप देख सकते होंगे बिल्कुल, आप ये साइड में आप देखिए, ये साइड देखिए, इधर कैमरा लगा हुआ है, जो खंभा जैसा खड़ा है वो कैमरा है, तो आपको उसको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। क्या लिमिट है उसका रोड पे लिखा हुआ आता है, वो लिमिट क्रॉस ना करें, वरना आप लोगों को इधर फाइन अच्छा खासा लग सकता है। तो आप लोग बिल्कुल उस पर ध्यान दें ताकि आप लोग फाइन से बच सकें। और यहाँ पे विदेशों में फाइन बहुत ज़्यादा लगता है, तो उस बात का आप लोग ध्यान जरूर दें। तो देख लीजिए आगे ब्रिज है और आपको किधर जाना है, सो बिल्कुल पूरा यहाँ पे दर्शाया गया है। अभी हम लोग बिल्कुल राइट का देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, जो सिग्नल दिया हुआ है, हम लोगों को इधर की ओर जाना है, दोहा की तरफ लिखा हुआ है, जो कि हमको इधर जाना है, वहाँ से हमको ब्रिज क्रॉस करके फिर से हमको हाईवे रोड पकड़ना है। तो अभी हम इस साइड पे इसलिए लास्ट ट्रैक पकड़े हुए हैं। ये राउंड बोल्ट का सिग्नल है, 200 मीटर 100 मीटर जितना पे राउंड बोल्ट का सिग्नल रहेगा यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। इस तरह से राउंड बोल्ट है और यहाँ से आपको अगर इधर जाना है तो इसी ट्रैक पे घूमना पड़ेगा। डायरेक्ट आप घुस मत जाइएगा राउंडा बोल्ट पे, देख लीजिएगा कि गाड़ी कहीं से आ तो नहीं रहा है, थोड़ा सा ब्रेक मार के स्लो कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको जिधर जाना है उधर आप निकल सकते हैं। तो क्योंकि राउंडा बोल्ट यहाँ पे ज़्यादातर आपको राउंडा बोल्ट ही मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है, सिग्नल के साथ में राउंडा बोल्ट भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसको देखना पड़ेगा, कहीं पे चार तरफ से होता है, कहीं पे छः तरफ से होता है रास्ता राउंडा बोल्ट पे आने के बाद, तो वहाँ पे आपको ही देख के निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं होता है और कोई यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे अपने खुद से देख के और खुद से संभल के निकलना पड़ेगा राउंडा बोल्ट से। चलिए तो यहाँ से थोड़ी दूर है, देखिए अभी यहाँ से आप मेन रोड पे निकलेंगे, तो यहाँ से निकलने से पहले देख लीजिए यहाँ पे हमने यू टर्न ले लिया है राइट साइड में, उसके बाद से यहाँ से हमारा आगे मेन रोड मिलेगा। तो मेन रोड जाने के लिए आपको यहाँ से भी आपको सिग्नल दर्शा दिया गया है, आगे से आपको मिल जाएगा कि किधर जाना है नहीं जाना है। देखिए यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पे यहाँ पे देख लीजिए लिमिट दिया हुआ है, जो कि सिर्फ 60 का स्पीड है, 60 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हर जगह पे लिमिट रहता है, और अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो कहाँ पे कैमरा लगा हुआ होता है आपको पता नहीं चलेगा और बाद में फाइन आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान दें, कैमरा से यहाँ बच कर रहें, बहुत ज़्यादा फाइन है कैमरा पर, ठीक है, सिग्नल पर सबसे ज़्यादा है और उससे कम आपका रोड का जो कैमरा लगा हुआ होता है उसमें है। तो यहाँ से देखिए आप अभी, अब हम लोग मेन हाईवे पे आ गए हैं, तो यहाँ से हाईवे पे जाने के लिए देखिए किस तरह से ट्रैक रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से अभी लाइन हमारा दिया हुआ है। और अब यहाँ के बाद से देखिए छोटा रोड से बड़ा रोड दर्शाया गया है, जो कि आप देखें बोर्ड पर, और इस तरह से आप यहाँ से अब ट्रैक को धीरे धीरे से सिग्नल दे के और देखते हुए कि पीछे गाड़ी तो नहीं आ रहा है, और इस तरह से देखिए एरो का मार्का दिया है, तो यहाँ से आप यहाँ से अगर नहीं क्रॉस कर सके, अगर गाड़ी है आपका तो कुछ और आगे जाइएगा, तो फिर से एरो का मार्का मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी आप क्रॉस नहीं कर पाएँ तो फिर से थोड़ा आगे जाइएगा तो फिर से एरो का मार्का मिलेगा, तो यहाँ से आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं देख के कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, ट्रैक आपका आगे जो पकड़ के आ रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर से आपको इस ट्रैक पर अब आना पड़ेगा। और यहाँ से देख लीजिए ये फोर लाइन है, तो फोर लाइन पर आपको फिर से जो हमने बताया था पहले भी कि आपको बिल्कुल राइट लेके चलना है, राइट वाला रोड आप इसको पकड़े रहेंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो भी गाड़ी स्पीड में आता है जो लिमिट होता है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो कि बड़ा गाड़ी का 80 का और छोटा गाड़ी का 120 का स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप आराम से उसको फॉलो करते हुए आप जा सकते हैं और लास्ट ट्रैक पकड़े रहें, आपको कोई परेशानी नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको जाने में, साथ चलते रहिए। तो कभी भी आपको ध्यान देना है, जो बड़ा गाड़ी होता है बिल्कुल इसी ट्रैक पे, साइड ट्रैक पे ही आप चलते रहिए, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिसको जाना होगा बगल से पास लेके वो जा सकता है, तो आप इसी तरह से साइड पकड़ के और बिल्कुल चलते रहिए, जहाँ पे आपको कट करना है वहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ होता है, आपको हम आगे बताते हैं, जो कि रोड पे साइनबोर्ड लगा हुआ होता है, अगर आप साइनबोर्ड पकड़ के जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से साइनबोर्ड पकड़ के और कहीं भी जा सकते हैं, किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे तरह से साइनबोर्ड देखना आना चाहिए,
कि कहाँ पे जाता है, किस जगह जाता है, तो फिर आपको रोड पे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बिल्कुल चलते हैं, आपको हर एक चीज़ का साइन बोर्ड आपको मिलेगा, कितना का स्पीड है, आगे ब्रेकर है क्या, आगे कोई स्कूल है क्या, आगे कोई पेट्रोल पंप है क्या, आगे कोई रेस्टोरेंट है क्या, तो हर चीज़ का टोटल चीज़ का आपको मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से आप चलते रहिए, सारा चीज आपको दिखेगा। तो इसी तरह से देख लीजिए, आपको सामने बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और ये बोर्ड है, आगे ब्रिज भी है। देख लीजिए यहाँ पे हाइट, आपको जो ब्रिज बना हुआ है उसका हाइट भी आपको दिखा दिया है कि आपका गाड़ी का हाइट क्या है और उस ब्रिज का हाइट क्या है। अगर उसका हाइट, गाड़ी का हाइट ज़्यादा हो ब्रिज से जहाँ पे जो बना हुआ है, तो आपको वहाँ से क्रॉस नहीं करना है। इस चीज़ को आप ध्यान दें, हमेशा उसका हाइट उसमें लिखा हुआ होता है, पहले आपको साइन बोर्ड दिख जाएगा वहाँ पे भी लिखा हुआ था, उसके बाद जो आपका ब्रिज है ब्रिज पे भी लिखा हुआ होगा, वहाँ पे भी दिखाई देगा आपको कि कितना उसका हाइट है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें, बहुत ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर। लोग बड़े गाड़ी वाले क्या करते हैं, ट्रेलर वगैरह में जो मशीन वगैरह, एक्सवेटर वगैरह, पॉपलेन वगैरह जो लोड होके आते हैं, तो उसका हाइट का पता नहीं चलता है और इतने स्पीड में पार कर देते हैं, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान दें, जब भी आप लोगों को ड्राइविंग करना है या लोडिंग लेके जाना है, तो क्या हाइट है और हमने जो मटेरियल लोड किया है वो जो ब्रिज है हमारा रास्ते पे पड़ता है उससे ज़्यादा हाइट तो नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो गोल सा एक देख लीजिए यहाँ पे आपको दर्शाएगी और यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कि कितना मीटर ले जाना है, 5 मीटर है कि 7 मीटर है कि 8 मीटर है, वो पूरा क्लियर दिखाया हुआ होता है। और चलिए ये देखिए बिल्कुल, जो कि अभी 55 का स्पीड है गाड़ी का, और यहाँ पे देखिए RPM शो कर रहा है 1281 का, जो कि रेस जो दिए हुए वो शो कर रहा है। तो मैक्सिमम आप यही है कि हाईवे रोड पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 50-55 के स्पीड में ही जाएं, क्योंकि हमारा जो हेवी गाड़ी होता है, क्रेन होता है, वो बहुत लोडेड होता है, जिसके वजह से आपको कम में ही जाने में भलाई है। और जो ट्रेलर वगैरह हैं उन लोगों को तो 80 का स्पीड है, 80 की स्पीड में लोग जाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे आप जो है क्रेन है, तो आप उसी अनुसार से ज़्यादा 65, 50, 45 ये रेशियो रखिए। देखिए यहाँ पे दो रोड क्लोज है, आपने देखा जो रेड वाला है, तो उसमें क्या है कि उधर से बड़ा गाड़ी का अलाउड नहीं है, कटा हुआ है, तो आप ये दो ही रोड पर जा सकते हैं और आगे नहीं जा सकते हैं। तो आपको साइन बोर्ड अगर देखने आ गया सही तरीके से, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी से कुछ भी पूछने का ज़रूरत नहीं है और आसानी से जहां आपको जाना है, देख लीजिए साइन बोर्ड लगा हुआ है यहां पे, आपको किस साइड पे जाना है ये पूरा यहां दर्शाया गया है, नीचे की ओर जाना है, लेफ्ट की ओर जाना है, 1 किलोमीटर पहले से मुड़ना है कि क्या करना है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ डिटेल में, आपको दिख जाएगा। चलिए तो आप लोगों को आगे बताते हैं कि कहां से कट लिया जाता है, तो इसी तरह का आप लोग अच्छे तरह से ड्राइविंग कर सकते हैं। यहां पे सारा चीज़ आपको साइन बोर्ड बता देगा, इतना आप याद रखें, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए, आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं आगे भी ले चलता हूँ आप लोगों को और बताता हूँ। देखिए रोड पे ट्रैक चेंज करने का सारा सिग्नल दिया हुआ है, आपको किधर से कहाँ जाना है, तो हमको तो अभी सीधा ही जाना है, अभी कहीं कटना नहीं है, क्योंकि मेरा रूट अभी सीधा है, तो हमको बिल्कुल सीधा ही जाना होगा, दूसरे रोड पे नहीं जाना है। और ये जो वाइट वाइट बीच में दिख रहा है, यहाँ पे इमरजेंसी में आप रोक सकते हैं, रास्ता गड़बड़ा गया तो थोड़ा देर के लिए यहाँ पर आप पार्किंग करके साइड चेंज कर सकते हैं, आपको जाना हो लेफ्ट राइट अगर गड़बड़ हो जाते हैं, तो इस जो वाइट वाइट सिग्नल यहाँ पर थोड़ा देर के लिए आप रोक सकते हैं और इधर उधर आप गाड़ी देख के निकल जा सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे मेरे बगल पे जो आपको दिखाई दे रहा है एक ट्रैक, वो ट्रैक नहीं है, उसको मत समझिएगा, वो इमरजेंसी ट्रैक है और हम जिस पे जा रहे हैं वही मेरा ओरिजिनल ट्रैक है जाने का, और ये इमरजेंसी ट्रैक है जो साइड पे है उस पे नहीं चलते हैं, वो इमरजेंसी के लिए है। वो ये जो ट्रैक है आपका किनारे वाला जो दिख रहा है एक, वो इमरजेंसी के लिए है।
तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखें कि साइड पे यहाँ पे हमेशा एक इमरजेंसी होता है, और इसमें आसानी से आप जो है आपका जो पहला ट्रैक है इधर से राइट साइड से उसको आप पकड़ के चलते रहिए, कहीं भी जहाँ भी आपको जाना है तो उस ट्रैक के बाद में आपको हमेशा एरो मिल जाएगा। और यही होता है जब टू ट्रैक होता है उसमें भी एक इस तरह का आपको लाइन मिलेगा, तो सिंगल ट्रैक पे ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन टू ट्रैक, थ्री ट्रैक, फोर ट्रैक पे पूरा आपको एक इस तरह का इमरजेंसी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इस तरह व्हाइट व्हाइट का है यहाँ पे थोड़ा पार्किंग के लिए, कभी क्या होता है कि जाने वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं जाना किधर है, तो थोड़ा देर के लिए आप इसमें रोक सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं, नहीं तो फाइन मारते हैं लोग यहाँ पे रुकने से। ठीक है, कोई काम का बेवजह नहीं रोकना है यहाँ पे गाड़ी आप लोगों को। तो इसी तरह से आप लोग बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, आप एक रास्ता और एक ट्रैक ही पकड़ के आपको अगर जाना है तो जाइए, और जहाँ से आपको मुड़ना है इस तरह से, तो यहाँ से आप आराम से कट ले लीजिए धीरे से। अब देख लीजिए यहाँ से आपको शो कर रहा है, देखिए दर्शा रहा है आपको जिधर जाना है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है, तो आप उस तरह से मुड़ के बिल्कुल ट्रैक चेंज कर सकते हैं और जा सकते हैं आसानी से। तो आपको एक चीज़ का याद रखना होगा, यहाँ पे बिल्कुल ट्रैक पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाने पे क्या होता है, सबसे बड़ा इसमें यहाँ पे दिक्कत इस बात की है कि आपको 5-10 किलोमीटर तक कोई वापस आने का कट मिलेगा ही नहीं, इतने देर से चल रहे हैं आपको कहीं भी दिखाई दिया नहीं। देखिए यहाँ पे स्पीड भी जमीन जो रोड पे है वहाँ भी लिख दिया गया है कि कितना स्पीड पे है मोड़ना है, 60 का स्पीड दिखाया था, तो 60 से इसमें आने की आपको इधर की ओर मोड़ना है, तो वो पूरा लिमिट यहाँ पे रोड पे भी लिखा हुआ, बोर्ड पे भी हर जगह आपको मिल जाएगा। उस चीज़ को आप फॉलो करते जाइएगा तो आप फाइन से बच जाइएगा, कभी भी आपको फाइन नहीं आएगा और आसानी से आप ड्राइविंग कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर दिक्कत क्या होता है, फाइन का ही प्रॉब्लम होता है। और एक चीज़, यहाँ पे नो एंट्री भी होता है, जो सिटी में आप जाएंगे ना, जब ये तो आउट एरिया है बिल्कुल, ठीक है, जब सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पे नो एंट्री भी होता है, उस चीज़ का भी आपको पता करना होगा, नहीं तो अगर आप गाड़ी लेके चले गए तो फिर नो एंट्री का आपको फाइन लग जाएगा। और जहाँ पे पार्किंग का भी, यहाँ आप कहीं भी जहाँ तहाँ पार्किंग नहीं कर सकते हैं, अगर वो भी देख लेगा लोग तो वहाँ भी फाइन मार देगा। तो पार्किंग का भी यहाँ जगह बना हुआ होता है, तो आपको पार्किंग उसी जगह पे करना पड़ेगा जहाँ पे, और इमरजेंसी का है तो कोई बात नहीं है, आप इमरजेंसी फॉलो कीजिए, रख सकते हैं, अगर गाड़ी वगैरह ख़राब है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर आपको। तो देख लीजिए इसी तरह से आपको रोड पे चलना होगा और आपको रूल फॉलो करना होगा, तब आप अच्छे तरह से ऑपरेट कर पाएंगे और ड्राइविंग कर पाएंगे और फाइन से बच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइन बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ के लोगों के लिए उतना नहीं लगता होगा, लेकिन हम लोगों के लिए फ़ाइन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लिए तो वो 4,000-5,000 रियाल ही हो गया, लेकिन हम लोगों के लिए 5,000 रियाल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि लाखों में होता है। तो इसीलिए आप लोग उससे बचने का कोशिश करें, और जब भी आप ड्राइविंग करें आके गल्फ़ में कोई सी कंट्री में कहीं भी, तो इस चीज़ का फॉलो आप ज़रूर करें, कैमरा का, सिग्नल का, पार्किंग का, नो एंट्री का, ये सब का आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, और आसानी से आप काम कर सकते हैं, और बिना फाइन दिए हुए अच्छे तरह से काम करके आप वापस घर जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और देख लीजिए, इस तरह का जब आप रोड पकड़ के एक तरह से चल रहे हैं तो जो भी दूसरा गाड़ी आ रहा है आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल निकल के चले जा रहा है वो अपना साइड पकड़ के। तो इसीलिए कभी भी आपका, क्योंकि आप ज़्यादा स्पीड चला नहीं सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 जा सकते हैं, तो इसीलिए आप पहला ट्रैक जो होता है बिल्कुल स्लो वाला वो आप पकड़ के चलते रहिए। वहाँ पे चेक पोस्ट है, तो चेक पोस्ट के बाद फिर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं अभी वहाँ तक ले चलता हूँ आप लोगों को, उसके बाद से वहाँ से हम वीडियो ऑफ कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का उधर काम चल रहा है तो अलाउड नहीं है कि वहाँ का कुछ वीडियो पब्लिश करें या दिखाएं, तो वहाँ तक ही हम लोग सिर्फ जो गेट है, एंट्री गेट है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ तक ही ले जाएंगे, उसके बाद से हम आगे वीडियो नहीं दिखा पाएंगे आप लोगों को। तो फिर चलिए आप लोगों को ले चलते हैं वहाँ पे, और आप लोगों को रास्ते के बारे में कुछ नॉलेज देते हैं और बताते हैं। मेरा आगे वाला किरण बिल्कुल आगे निकल चुका है, हम वीडियो बनाने के चक्कर में स्लो स्लो चल रहे हैं, 55-60 का स्पीड में, और इतना ही स्पीड चलना चाहिए क्योंकि बड़ा गाड़ी है आपके लिए, 45-50-55, ज़्यादा से ज़्यादा 60, उससे ज़्यादा ना चले तो अच्छा है, क्योंकि हेवी गाड़ी है, हेवी क्रेन है, तो तेज़ चलना अच्छा बात नहीं है, ऐसे भी कोई भी गाड़ी में ज़्यादा तेज़ चलना अच्छा बात नहीं है, तो आप अपने अनुसार
जितना आप कंट्रोल कर सकें उतना आप चलें। ओवर स्पीड चलना बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। तो आज सिग्नल खुला मिल गया, चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से, और नहीं तो बहुत पीछे हो जाते, वो ट्रेन निकल जाता। और अभी हम आगे जाएंगे और आगे से हमको फिर से ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रैक उधर नहीं जाएगा। अभी देखिए हम ट्रैक फिर यहाँ से चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ से इंडिकेटर देना हम चालू कर देते हैं और पीछे देख लेते हैं ग्लास में कोई है तो नहीं, क्योंकि जिस रास्ते पे अब हम जा रहे हैं तो ये रास्ता कहीं और निकल जाएगा दूसरे साइड पे। तो यहाँ से हम देखिए अभी ट्रैक चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हम ट्रैक चेंज कर लिए तो फिर से सीधे वाले रास्ता में हम चले गए, और देखिए अभी उस रास्ते पे अगर हम रहते तो वो दूसरे साइड पे चला जाता। और आगे मिल गया है हमें सिग्नल, तो अभी सिग्नल को क्रॉस करने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो यहीं से स्लो कर देते हैं, आपको अगर गाड़ी नहीं है तो यहाँ से स्लो कर दीजिए, तो हो सके जाते जाते आपको वहाँ पे रोकना ना पड़े और सिग्नल खुल जाए। तो बिल्कुल इस तरह से गाड़ी अगर नहीं है तो दूर से ही स्लो कर दीजिए। और देखिए अभी क्या हुआ, अगर हम स्लो कर दिए थोड़ा तो जो सिग्नल है वो खुल चुका है और हमें अब वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला गाड़ी स्लो है, तो यहाँ से हम आसानी से निकल सकते हैं। देखिए तो अभी हमें रुकना नहीं पड़ा यहाँ पे, और गाड़ी यहाँ रुक जाती है तो फिर आपको उठाने में टाइम लगता है, इसी वजह से हमको रुकना नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप सिग्नल क्रॉस कर सकते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ भड़का ना है तो आपको रोकना नहीं पड़ेगा। कहीं कहीं क्या होता है कि सिग्नल बहुत ही जल्दी खुल जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, आप आधे रास्ते जाते नहीं हो सिग्नल का और रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर आप प्रॉब्लम में खड़े हो जाते हैं, फाइन तो नहीं आ गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। तो आप ये ट्रिक अपनाएं, ये ट्रिक बहुत अच्छा है, जो कि बिल्कुल आपके लिए अच्छा होगा, और आपका सिग्नल भी खुल जाएगा और आप आसानी से निकल जाओगे, उतना टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा। तो ये ट्रिक अभी कभी आप लोग ज़रूर आजमा के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिस तरह मैं अभी आजमाया, हमको रोकना नहीं पड़ा और आसानी से हम निकल गए। और आगे वाले को देखें आप कितना स्लो हो गया, धीरे हो गया, और किस तरह से वो निकाला सो। तो इस तरह का अगर कभी फंसते हैं तो ऐसा करके आप लोग आगे निकल सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर से दोबारा एक सिग्नल आ गया, अब देखते हैं ये सिग्नल खुला हुआ मिलता है कि हमें भी रुकना पड़े, ये तो नहीं पता है। यहाँ से 400 मीटर दूरी पे है और अभी तक तो खुला हुआ है, हो सके जाते जाते बंद हो जाए। तो कभी भी बंद होने का कगार में रहता है तो आप लोग स्पीड में ना गाड़ी पार करें, क्योंकि वहाँ भी लिमिट होता है, अगर ज़्यादा लिमिट क्रॉस करेंगे तो फाइन भी आ सकता है, ओवर स्पीड क्रॉस करेंगे तब भी फाइन आ सकता है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल ध्यान दें और ओवर स्पीड ना करें। सिग्नल के पास अगर ग्रीन है तो आप तेज कर सकते हैं, और अगर भूख भाग करने लगा, लाइट देने लगा, तो आप स्लो करके आराम से वहाँ से पार कर सकते हैं। तो चलिए अभी सिग्नल आसानी से निकल गया, रुकना नहीं पड़ा हमें, और आगे अब हम लोग बिल्कुल गेट के करीब में हैं। तो उसके बाद से आपको हम दिखा नहीं पाएंगे रोड का वीडियो, हो सकता है रोड गेट क्रॉस कर जाए उसके बाद हम आपको दिखा दें। तो चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं बिल्कुल। और यहाँ से फिर हमको इधर की ओर जाना है, अब इंडिकेटर देके यहाँ से भी ट्रैक चेंज कर लेते हैं। जैसे आगे देख रहे हैं वो मेरे साथ जो गाड़ी जा रही है वो ट्रैक चेंज कर चुका है इंडिकेटर देके, तो इस तरह से हम भी कर लेते हैं। और यहाँ पे सिग्नल हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फिर हमारा इस तरह से हम निकलेंगे यहाँ से, और चलिए हम लोग गेट पे आ चुके हैं, और अब यहाँ से हम वीडियो ऑफ करते हैं, क्योंकि यहाँ से अलाउड नहीं है वीडियो करने का, क्योंकि
सामने गेट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे चेक होता है पूरा, तो यहाँ से हम वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का आप लोगों को नॉलेजफुल वीडियो मिलता रहेगा, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, और मेरे चैनल को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमको अच्छा लगे वीडियो बनाने में।